ఇటు బిఆర్ఎస్ నేతలపై అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. జైనూర్ ఘటనలో బీజేపీ నేతల కంటే ఎక్కువగా బీఆర్ఎస్ నేతలే నిందితులుగా ఉన్నారన్నారు. వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లు, జైనూర్ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ మౌనంగా ఉందన్నారు. బీఆర్ఎస్ ఇలాగే చూస్తూ కూర్చుంటే తాము కూడా బీఆర్ఎస్ ని రాజకీయంగా వెయిట్ చేయిస్తామన్నారు. जयनूर में लोग पकड़े गए, उसमें बीजेपी ज्यादा टीआरएस के लोग है ना. आप देखे होंगे, क्या आपको मालूम होगा ये क्या हो रहा है. टीआरएस उस पर खामोश क्यों बैठी है. अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है. वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे. ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे. फिर आपको फिर वेटिंग में रहेंगे यार. पुराना आदिलाबाद, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है, जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फोक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर मुतकर्रर करो. ना वो इन मुसलमानों का साथ दे, ना कि दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें. जैनूर में लोग पकड़े गए, उसमें बीजेपी ज्यादा टीआरएस के लोग है ना. आप देखे होंगे, क्या आपको मालूम होगा ये क्या हो रहा है. टीआरएस उस पर खामोश क्यों बैठी है. अगर ये लोग अपना नहीं बोलना चाह रहे तो फिर अलग बात है. वक्फ बिल पे नहीं बोलेंगे, जैनूर पे नहीं बोलेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे. ठीक है, आप वेट एंड वॉच करो, हम भी वॉच करेंगे. फिर आपको फिर वेटिंग में रहेंगे यार. पुराना आदिलाबाद, जो पुराना करीम नगर है, जो पुराना रंगारेड्डी है, जो पुराना महबूब नगर के इलाके हैं, जहां पर एक तारीख है, जहां पर वक्तन फोक्तन कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, उन मुकामात पर आप एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर मुतकर्रर करो. ना वो इन मुसलमानों का साथ दे, ना कि दूसरे मजहब का साथ दे, बस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें.